गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय जैसन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद लोगों में अपने देश और संस्कृति के प्रति प्रेम भावना जागृत होना। आपको सब पता होगा कि समय समय पर आंदोलन क्रांतियां होती रही हैं। अब राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ भारत में, आज जो धार्मिक आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन और साहित्य के जो आंदोलन है उन्हीं से प्रभावित होकर या उन्हीं के विकास से के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों में अपने देश और संस्कृति के प्रति प्रेम भावना जागृत हुई। उस शासन था ब्रिटिश लोगों का और वो लोग उन लोगों की नीतियों से वह भारतीय लोग बहुत ही असंतुष्ट थे। उसी के असंतुष्ट और उनकी नीतियों के विरोध में उन्होंने 1857 की प्रथम क्रांति को ब्रिटिश सरकार, लेकिन वह असफल रही। लेकिन ये जो क्रांति, उस क्रांति ने लोगों के दिल में जो चिंगारी जलाई देश को स्वतंत्र कराने की, उसको उन्होंने सुनियोजित योजना में परिवर्तित कर दिया और उन्होंने उस आग को बुझने नहीं दिया। समय समय उसके पश्चात बहावियों का आंदोलन हुआ। क्रांति के समाप्त होने के बाद भी बहावियों का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसको भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार, उसके पश्चात हमारा पंजाब में सिख गुरु राम सिंह के द्वारा एक किया गया, कुकाओं के आंदोलन को भी असफल बना दिया गया। फिर लगातार क्रम से कई आंदोलन होते रहे अपनी राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद को लाने के लिए। उसके पश्चात पंजाब में कुका आंदोलन, किसान आंदोलन और भी अन्य आंदोलन होते रहे, लेकिन ये आंदोलन, चूंकि ये आंदोलन स्थानीय आंदोलन थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हमारे इन सभाओं 19वीं सदी के मध्य में राजनीतिक सभाएं व संगठन बनाए जाने लगे। भारतीयों के द्वारा राजनीतिक सभाएं और संगठन बनाए गए, जिसमें की पहली सभा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन सभा बनाई गई। इसमें ब्रिटिश सरकार से प्रशासन में इंडिया भारतीयों की भागीदारी की मांग की गई, लेकिन वो उन लोगों ने मांग में विरोध उत्पन्न किया। फिर लगातार इसके बाद सभाओं के पश्चात जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए, जनता को अधिक महत्व देते हुए कुछ संगठन बनाए गए, जिसमें कि पुणे सार्वजनिक सभा संगठन और भी अन्य संगठन बनाए गए। इन सब इसमें भी प्रशासनिक कार्य में उनकी, भारतीयों की भागीदारी को महत्व दिया गया। समय समय पर उसके पश्चात ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी के 1857 के बाद के सशस्त्र विद्रोह, बहावियों के विद्रोह गतिविधियां 1857 ईस्वी के बाद भी जारी रही। बहावियों को अंततः 1857 ईस्वी के दशक में कुचलने के लिए अंग्रेजों की हजारों सैनिकों को इस्तेमाल करना पड़ा। इस्लाम के धार्मिक शिक्षा के लिए देवबंद में 1857 में एक विद्या केंद्र की स्थापना हुई। यह केंद्र इस्लामी शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की भावना जगाता रहा। इन्हीं दिनों पंजाब के सिख गुरु राम सिंह के नेतृत्व में एक नया आंदोलन चलाया गया, इसे कुका आंदोलन कहते हैं। कुकाओं ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया, लेकिन उन्हें 1872 ईस्वी में क्रूरता से कुचल दिया गया। कई कुका विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई। 1857 की क्रांति के बाद कई किसानों को विद्रोह भी हुए। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले आदिवासियों ने विद्रोह किए। इस विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जहां जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन किया। अनेक सशस्त्र विद्रोह हुए, परंतु ये विद्रोह स्थानीय विद्रोह थे, इसीलिए भारत में ब्रिटिश शासन के लिए ये कोई बड़ा खतरा नहीं था। राजनीतिक सभाओं की स्थापना 19वीं सदी के मध्यकाल में के आसपास ही भारतीयों की राजनीतिक सभाओं की स्थापना होने लगी। इसकी स्थापना कलकत्ता, मुंबई, मद्रास आदि प्रांतीय नगरों में हुई। 1851 में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसमें अन्य अधिकारियों के पास अभिवेदना को भेजने के लिए 1852 ईस्वी में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना हुई।
ऐसे ही उद्देश्य के लिए 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके तहत इस बात की मांग उठाई गई कि भारतीयों को प्रशासन में उच्च स्थान पर मिलना चाहिए। इन सभी एसोसिएशन के सदस्य भारतीय समाज के उच्च वर्ग के थे। बाद में कुछ ऐसे संगठन बनाए गए जो कि उपयुक्त सभाओं के अपेक्षा जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। कुछ ऐसे संगठन थे जिनमें की 1870 में स्थापित पुणे सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महासभा और 1885 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संगठन बनाए गए। लेकिन भारतीयों के प्रति सरकार द्वारा अपनाई गई भेदभाव नीति और नीतियों के प्रति के खिलाफ सभाएं आयोजित करी गई, वह करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, परंतु इन संगठनों की गतिविधियां भी अपने अपने क्षेत्र तक ही सीमित रही। लेकिन उसको लंबे समय के पश्चात यह आवश्यकता महसूस हुई कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की और कुछ कदम भी उठाए थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए, परंतु बिना किसी ठोस कारण के उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देश के सभी प्रांतों से आए 72 प्रतिनिधियों का मुंबई में 1885 ईस्वी में 28 से 30 दिसंबर तक एक सम्मेलन हुआ। उसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। में एक सभा बनाई गई जिसमें कि उन्होंने भारतीयों को स्थान दिलाने की मांग की थी। इस प्रकार कई आंदोलन आगे क्रम से होते रहे हैं। अब हम डिटेल में इसके बारे में बुक से अध्ययन करेंगे और बुक से इसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। भारत में हुए समाज और धार्मिक आंदोलनों और साहित्य एवं प्रेम के विकास के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लोगों में अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। भारत की इस समय अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता में बहुत ही असंतोष था। इसी का भावना के कारण ही 1857 की क्रांति हुई। यह क्रांति असफल रही, परंतु इस क्रांति ने भारत की जनता में एक ऐसी चिंगारी फैलाई जो आगे चलकर स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संघर्ष में परिवर्तित हो गई।